हेलो चिल्ड्रन, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ नए टर्म्स और रिलेशंस को सीखेंगे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट आइडिया हम डिस्कस करेंगे वो है मोलारिटी इक्वेशन। सो व्हाट इज दिस मोलारिटी इक्वेशन? इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी एम वन एंड वॉल्यूम वी वन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग द सॉल्वेंट टू द फाइनल वॉल्यूम वी टू so that the molarity of the solution becomes m2। okay बच्चों, तो अगर कोई solution आपको पहले से दिया हुआ है जिसकी molarity m1 और volume v1 है जो आपको पता है, अब क्या हुआ इस solution में कोई किस particular solvent जो यहाँ पहले से present था उसका कुछ amount और mix कर दिया गया, तो mixing पर solvent की mixing पर जो वॉल्यूम होगा वो V2 हो जाएगा। ओके, तो V2 वॉल्यूम के साथ सॉल्यूशन की मोलारिटी जो है वो चेंज होके M2 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इनिशियल वैल्यूज़ और फाइनल वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशन होगा उसी हम क्या कहेंगे, मोलारिटी इक्वेशन कहेंगे। तो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा M1 V1 इक्वल्स टू एम टू वी टू। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कंडीशन पे सॉल्यूशन का जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो इस प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉल्वेंट ऐड करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इस रिजल्टेंट वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि M1 की वैल्यू क्या होगी, M2 से ग्रेटर होगी। और इसी तरह से हम अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो अगर V2 ग्रेटर वॉल्यूम है तो V1 क्या होगा, लेसर वॉल्यूम होगा, बट इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा इसके प्रोडक्ट के। ओके बच्चों, इसी तरह से हम नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी लिखते हैं और इस नॉर्मेलिटी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में n1 into v1 will be equals to n2 into v2। ओके बच्चों, तो ये जो यहाँ पर m1 और v1 है ये हो जाएगा, अगर हम इसको फॉर्मूला जो हमारा मोलारिटी का है उसको हम ध्यान करें तो m1 v1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और उसी तरह से एन वन वी वन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इन इनिशियल कंडीशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेम सॉल्यूशन इन फाइनल कंडीशन। इसी तरह से जो एन वन इंटू वी वन है दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसे हम कहेंगे जब ये वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में होगा, और अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो n इंटू v के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंस। ओके बच्चों, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंस। अब हम जो नेक्स्ट लाइन है, व्हेन टू सॉल्यूशंस रिएक्ट कम्प्लीटली देन एट दैट इक्विवेलेंस पॉइंट n1 v1 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू n2 v2। ओके बच्चों, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे और इन फैक्ट व्हेन टू कंपाउंड्स और देयर सॉल्यूशंस रिएक्ट कंप्लीटली देयर इक्विवेलेंस आर इक्वल। तो आपको ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा माइंड में रखना है कि जब दो कंपाउंड्स एक दूसरे के एक दो कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे तो उनके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो भी इक्वल होंगे। लेकिन यही बात नंबर ऑफ मोल्स के लिए नहीं कही जा सकती है। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी इक्वल और ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल। ओके बच्चों, तो एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल when two different solutions react completely। okay bachcho, but ye relation always applicable hai, solutions kis bhi tarah ke ho,
कितने भी डिसिमिलर हो, बट हम इस सॉल्यूशन इस रिलेशन को ऑलवेज यूज कर सकते हैं। बट एम वन वी वन रिलेशन को हम उस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते हैं एज सच जब जो लिए गए सॉल्यूशंस हो वो डिफरेंट हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में एम वन वी वन रिलेशन को हम इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पर जो स्मॉल एन हमने लिखा हुआ है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स को मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू इक्वल्स हो जाती है टू नॉर्मेलिटी। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है वो हो जाएगा एन इंटू वी, यानी कि एन वन वी वन एन टू वी टू, सेम रिलेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है जब हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं एन ए एम ए वी ए एन बी एम बी वी बी, तो इस कंडीशन में ये भी सभी तरह के कंपाउंड्स के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ एन वन वी वन इक्वल्स टू एन टू वी टू। ओके बच्चों, तो ये हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन हमें बात करनी है, इसमें क्या दे रखा है, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी एम वन एंड वॉल्यूम वी वन इज मिक्स्ड विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, यहाँ पर आपको सेम सब्सटेंस टर्म को याद रखना, हैविंग मोलारिटी एम टू एंड वी टू, देन द मोलारिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन एम थ्री ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशंस को जिनकी मोलारिटी एंड वॉल्यूम डिफरेंट है उनको हम मिक्स करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट न्यू सॉल्यूशन मिलेगा। उस रिजल्टेंट न्यू सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है उसे हम लेट करेंगे एम थ्री, और इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा जिसे हम V3 भी लिख सकते हैं वो इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 के। बट ये रिलेशन हम तब यूज करेंगे जब हमने एक ही सब्सटेंस के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपस में मिक्स किए हैं। ओके बच्चों, मान लीजिए HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशंस हैं मोलारिटी वाले, और आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मिक्सिंग पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी क्या होगी वो आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से हम किसी सेम सब्सटेंस के डिफरेंट नॉर्मलिटी वाले सॉल्यूशंस को भी मिक्स करने पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी होगा उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल रिलेशंस है जिनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट मिक्सचर सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी या मोलारिटी निकालने में। तो बच्चों, आगे बढ़ने के पहले हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इन्हीं रिलेशंस पर बेस्ड। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग 25 ml ऑफ n by 10 NaOH solution exactly neutralize 20 ml of an acid solution. What is the normality of the solution? Okay, बच्चों, तो पहले हम इस सॉल्यूशन को सॉल्व करें, इसके पहले हम कुछ और भी बातें हैं जो कर लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बातें हैं उसमें कुछ टर्म्स जो है वो मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा। आप मान लीजिए कि आपको दिया गया है नॉर्मल किसी सब्सटेंस का नॉर्मल सॉल्यूशन। तो किसी सब्सटेंस के नॉर्मल सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि सब्सटेंस के उस सॉल्यूशन में जो जिस सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व है एक लीटर सॉल्यूशन में, इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट है एक लीटर सॉल्यूशन में। तो किसी सब्सटेंस का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट हैं एक लीटर सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे।
इसी तरह से मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन में क्या होगा, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। ओके बच्चों, इसी तरह से अगर हम कहते हैं 2N सॉल्यूशन, तो 2N सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट मास का डबल डिसॉल्व होगा, डबल अमाउंट डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरह से 2M सॉल्यूशन, तो 2M सॉल्यूशन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास का डबल अमाउंट डिसॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जैसे कि हम लिखते हैं n by 10 सॉल्यूशन, n by 10 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, n by 10 सॉल्यूशन का इसका मतलब हो गया कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, 1/10 n है, तो 1/10 n ना लिख के हम उसको क्या कर रहे हैं, सिंपली n by 10 लिख रहे हैं। इसी तरह से हम m by 10 भी लिख सकते हैं, तो m क्या शो करेगा, मोलारिटी को, और मोलारिटी कितनी है, 1/10 है। ओके बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो डेसी मोलर या डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो डेसी टर्म जहां यूज होगा, डेसी मोलर यानी कि मोलारिटी कितनी है, 1/10 है। इसी तरह से सेंटी मोलर सॉल्यूशन, तो सेंटी अगर टर्म यूज हो रहा है तो मोलारिटी या नॉर्मलिटी कितनी है, 1/100 है। ओके बच्चों, इसी तरह से है सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी टर्म के लिए, सेमी टर्म का मतलब है कि मोलारिटी या नॉर्मलिटी कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 जब यूज हो रहा है तो हम वहां पर सेमी टर्म यूज कर दें। तो 1/10 डेसी के लिए, 1/100 सेंटी के लिए, एंड 1/2 सेमी के लिए, ये मोस्ट कॉमन टर्म्स हैं जो हमें मिल जाते हैं कभी कभी नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी टर्म्स के साथ। अब आते हैं हम इस न्यूमेरिकल पर, तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो एनओएच सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ NaOH इक्वल्स टू 25 मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1/10 n। और इसमें हम मिक्स क्या कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, 20 ml ऑफ एसिड, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड, एसिड का नेम नहीं दिया है, इक्वल्स टू 20 ml। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ये हमें निकालना है, ये पता नहीं है, ये हो गया। तो आपको बताया गया है अभी पहले कि हम नॉर्मेलिटी, जो नॉर्मेलिटी का रिलेशन है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के लिए भी एज सच यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो हम जो N1 हमारा है, हम इसे N1 कर लेते हैं, ये N1 हो जाता है, इस NaOH के वॉल्यूम को V1 कर लेते हैं, और N2 हमारा एसिड का हो जाएगा और V2 एसिड का हो जाएगा। तो N1 जो है वो 1/10 है इंटू V1 कितना है, 25 इक्वल्स टू N2 इंटू 20। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2.5 इक्वल्स टू N2 इंटू 20। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाता है कि N2 इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 20 इक्वल्स टू 25 अपॉन 200। ओके बच्चों, इक्वल्स टू 1/8। ये हमने निकाल ली नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इसी तरह से ये हमारी एसिड की नॉर्मेलिटी आ गई 1/8 n। इसी तरह से हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2NaCl बी टेकन
टू फॉर्म 500 ml एंड बाई 10 सोल्यूशन ऑफ HCl। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर नॉर्मलिटी का HCl लिया हुआ है हमने, और इसमें पूछा गया कि हम कितना सॉल्वेंट मिलाएं, कितना सॉल्वेंट मिलाएं कि हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, 500 n/10 स्ट्रेंथ वाला बन जाए। ओके बच्चों, तो हमें इस 2n सॉल्यूशन का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2n, इनिशियल नॉर्मेलिटी 2n है, और इसका जो वॉल्यूम ऑफ HCl ये हमें निकालना है। जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है HCl की, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, ये फाइनल ये कितनी दे रखी है, 1/10, और वॉल्यूम ऑफ HCl फाइनल ये कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 500 ml। तो नॉर्मेलिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नॉर्मेलिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो लेट करते हैं, ये N1 है, ये V1 है, ये N2 है, ये V2 है। तो N1 हमारे पास है 2 इंटू V1 हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू N2 दे रखा है 1/10 इंटू 500। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू V1 इक्वल्स टू 50। ओके बच्चों, सो V1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50/2 इक्वल्स टू 25 मिली लीटर। ओके बच्चों, तो 25 मिली लीटर हमारा जो है वो V1 होगा, V1 कितना होगा, 25 मिली लीटर। ठीक है, 25 मिली लीटर होगा। तो इसमें कहा है कि वॉट वॉल्यूम ऑफ 2n HCl बी टेकन टू फॉर्म 500 ml एंड बाई 10 सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो हमें इस पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी का, 2n नॉर्मेलिटी का 25 ml सॉल्यूशन लेना पड़ेगा 500 ml एंड बाई 10 सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, चैप्टर के कुछ और पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी रिलेशंस हमें डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें इन रिलेशंस एंड फॉर्मूले पर बेस्ड केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस बुक का। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल लिखते हैं पहले, फर्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 present in 250 cc of a semi molar solution। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सीसी ऑफ अ सेमी मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पर सेमी टर्म यूज किया है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मोलारिटी आपको कितनी दे रखी है, 1/, मोलारिटी इज 1/2। ओके, 1/2 मोलारिटी इज गिवन। तो आपको पता है कि जो मोलारिटी होती है, मोलारिटी का रिलेशन क्या होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो H2SO4 का गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, वो किस में दे रखा है, सीसी से, सीसी में, तो इसको हम थाउजेंड, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम मोलारिटी में जो वॉल्यूम लेते हैं वो लीटर्स में यूज़ करते हैं। तो लीटर्स में यूज़ करने के लिए हम इसको थाउजेंड से डिवाइड करेंगे, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू दिस, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो मोलारिटी का ये रिलेशन हो गया। अब हमें इसमें से निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ द H2SO4, मास यानी W की वैल्यू निकालनी है। तो हम W को बाहर कर लेते हैं, देन उस कंडीशन में W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये रिलेशन हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़, जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे पास H2SO4 का मास हमें बताना है क्या होगा, तो हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे H2SO4 का मॉलिकुलर मास, H2SO4 का मॉलिकुलर मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 हमें पता है ये होता है 98 ग्राम। ओके बच्चों, W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 250 cc, जिसका हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है, ये वैल्यूज हमारे पास हैं। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे रिलेशन में अपने, तो क्या हो जाएगा, W जो है, W विल बी इक्वल्स टू मोलारिटी, W इक्वल्स टू मोलारिटी, तो मोलारिटी हमें हमें कितना दे रखा है, मोलारिटी 1/2। ओके बच्चों, मोलारिटी कितनी दे रखी है, 1/2, तो 1/2 इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 cc डिवाइडेड बाय 1000। ओके बच्चों, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करिए इसे, कितना आंसर आएगा, इट विल बी कम अबाउट 12 समथिंग। ओके, इट विल कम अबाउट 12 समथिंग। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा, W का अमाउंट आ जाएगा। तो आप सॉल्व करके देखिए इसको कितना आ रहा आंसर, ये हो जाएगा 49, मीन्स 49 इंटू 250 अपॉन 1000, तो 12 समथिंग आएगा। इसको आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ये हमारा हो गया ये न्यूमेरिकल। इसके बाद हम और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो जैसे कि एक न्यूमेरिकल और करते हैं, न्यूमेरिकल लिखिए आप लोग, अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 1.6 मोलल। ओके बच्चों, देन हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें सॉल्व करना। तो
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1.6 मोलल सॉल्यूशन जो है वुड कंटेन 1.6 मोल्स ऑफ इथेनॉल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है ना मोलालिटी का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो kg ऑफ सॉल्वेंट हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है। ओके बच्चों, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 46। देन हम निकालेंगे मास ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व्ड। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैलिटी कितनी है, 1.6 इनटू 46। ओके, तो ये हो जाएगा 73.6 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। ओके बच्चों, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना निकाला हमने, 73.6। ओके बच्चों, 73.6 है, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास वो कितना है, 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1073.6 ग्राम। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कितना इथेनॉल प्रेजेंट है 500 ग्राम में। तो हमने यहाँ क्या निकाल लिया है कि इतने ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके बच्चों, यानी कि 1073.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज हैविंग 73.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ओके बच्चों, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल हैव हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 73.6 अपॉन 1073.6 इंटू 500। इसे भी आप सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर अबाउट 34 समथिंग आएगा, 34.2 समथिंग ग्राम। तो आप कैलकुलेशंस को हमेशा आप रीचेक करेंगे, वैल्यूज तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैल्यूज मैं देख रहा हूँ, आप कैलकुलेशंस को लास्ट फाइनल आंसर को आप चेक करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अनुमेरिकल बताने का जो मेरा मेन एम है कि आपको वे मुझे समझाना है कैसे वो करना है, बाकी कैलकुलेशंस को आप ऑलवेज रीचेक कर लीजिए, क्योंकि आंसर्स या वैल्यूज़ में वेरिएशन हो सकता है, या मेरे में बोल कुछ और जाता हूँ और हो सकता है वैल्यू कुछ और लिख रहा हूँ, तो आप उन डिसिमिलैरिटीज़ को चेक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं पहले से, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।